सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसका उत्तर होगा निकिता पोरवाल ने, और ये मध्य प्रदेश की उज्जैन की रहने वाली है निकिता पोरवाल, और अभी इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन मुंबई के वर्ली में हुआ और इस तरह से अब वे मिस इंडिया में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमें काम की बात है और ध्यान में रखनी है निकिता पोरवाल का नाम। बाकी तो मैं आपको ये भी रिवाइज करवा दूं कि अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता था, वो गुजरात से हैं, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता था। और इस साल जो मिस यूनिवर्स 2024 का संस्करण है वो कौन सा होगा, 73rd नंबर का होगा, मैक्सिको में होगा। और मिस यूनिवर्स 2023 ये विजेता रही थी सेनिस पलासियो, निकारागुआ से हैं। अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं ये। तो कम से कम ये सारे नाम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ही मैं आपको करा रहा हूँ। तो इस प्रश्न में हमने देखा मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता निकिता पोरवाल ने, ये याद रख लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले 51वें चीफ जस्टिस कौन होंगे, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप। इसका उत्तर हो जाएगा संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगले चीफ जस्टिस होंगे, वे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अभी 50वें नंबर के आप जानते हो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, लेकिन वो अभी 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे कौन, संजीव खन्ना, लेकिन वो भी 6 महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका कार्यकाल भी 6 महीने का होगा, 13 मई 2025 को वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद 52 नंबर के जो बनेंगे वो हम तब की तब देखेंगे। अभी तो इनका नाम आप याद रखेंगे, संजीव खन्ना का नाम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि और क्या क्या प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 पार्ट 5 में इसके बारे में बताया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि 1935 के एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया था। स्थापना के समय यहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछेंगे तो हीरालाल जे कनिया थे। अभी तक तो कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है, ये भी याद रखें आप। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 129। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है, वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 143। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, आर्टिकल 32। ये वो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और आर्टिकल नंबर 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। ये आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो किस आर्टिकल के अनुसार रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, ये कहता है आर्टिकल 137। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ कौन दिलाते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। और अगर पूछे कि ऐसे, और ये प्रश्न भी पूछा गया कि ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा, ई प्रवेश पास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, सुस्वागतम पोर्टल। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न बता रहा हूँ, ऊपर वाले जो बताए थे वो प्रश्न में लेकर के आया जो किसी न किसी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, अभी इन्होंने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो अदालत के फैसलों को 4 भाषाओं में अनुवादित करेगा, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पोर्टल भी लॉन्च किया था, एक सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। अभी मैंने आपको बोला 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो चलो फिर रिवाइज करते हैं। देखो, अभी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी साधना सक्सेना नायर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने सतीश कुमार। अच्छा देखो, ये पीछे कुछ साउंड भी हो सकता है आपको आ रहा हो, क्योंकि मुझे तो आ रहा है और मुझे लग रहा है शायद मैं कितना भी नॉइस रिडक्शन कर दूंगा लेकिन फिर भी आपको सुनाई देगा, क्योंकि पास में जागरण हो रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो जागरण का साउंड है ना, उससे आप प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा वो कम से कम नॉइस रिडक्शन करने की, कि वो बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा ना आए।
बाकी देखो अगला क्या है। मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने थे, रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के सीएमडी बने, रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष और भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष एमवी श्रेयस कुमार बने, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यारती सरीन बनी, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे सुजीत पुष्कर धारकर यानी कि एसपी धारकर, और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने कलिकेश सिंह देव, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ बने आलोक रंजन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने अनुराग गर्ग, नालको के सीएमडी बने थे यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के सीएमडी विजेंद्र प्रताप सिंह, आईआरएफसी के सीएमडी बने मनोज कुमार दुबे, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नोएल टाटा और भारतीय तटरक्षक बल के भी 26वें महानिदेशक बने परमेश शिवमणि, इनका नाम है। तो ये ध्यान रखना, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, पहले तो बताओ ये कहाँ पर है? असम में है, जो कि एक सिंह वाले गेंडू के लिए फेमस है, पर अब इसे भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये दूसरा सबसे बड़ा है तो फिर पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा नेशनल पार्क है वो पहला है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में 446 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नाम आप जरूर याद रखें, डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई का नाम। ये इन्हीं के रिसर्च का परिणाम है जो कि इसे ये घोषित किया गया। ये इस पर 2007 से स्टडी कर रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बना था 1974 में, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। देखो, तितलियों से आपको याद आएगा अरुणाचल प्रदेश की अभी राज्य तितली कौन बनी थी? स्टेट बटरफ्लाई आए तो केसर है हिंद, और सिक्किम की भी नई बनी थी अभी, उसका नाम है ब्लू ड्यूक। वैसे तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लेपिडॉप्टेरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे नेशनल पार्क से संबंधित हैं। जैसे कि पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। 1936 में ये बना था। और अभी सबसे नवीनतम अगर पूछेंगे भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, ये रायमुना नेशनल पार्क है जो आपको असम में मिलेगा, ये 2021 में बना था। वैसे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया वाइज सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो आपको लद्दाख में मिलेगा। और सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वैसे इसका नाम बदल दिया गया अभी, इसका नाम बदल के, चलो आप बताओ इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। बाकी अगर पूछे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ये बनेगा कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में। ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, ये महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क ये बना था काजीरंगा नेशनल पार्क ही। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू हुई सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क में, जो आपको राजस्थान में मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ नेशनल पार्क सभी न्यूज़ में थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और जो भी रिविजन शीट्स मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। PDF बिल्कुल फ्री होता है, जो आपको कहाँ पे मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब भी PDF अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। बाकी अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आए तो। तो अभी चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में, जिसका 8वां संस्करण था, 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये हुआ, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है और इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अभी है। और इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और 6G जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की गई। अच्छा, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन किया।
और मैं आपको बता दूं इसका आयोजन हर 4 साल में होता है और पहली बार इसका आयोजन भारत या यूं कह दूं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार इसका आयोजन हुआ कहां पे, भारत में हुआ। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, उद्घाटन किया मोदी जी ने। बाकी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना होती है 1865 में और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं डोरेन बैकडॉन मार्टिन। कुछ और समिट सम्मेलन में आपको रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने लेटेस्ट पढ़े वो कराता हूँ। अभी पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ, दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट अभी नई दिल्ली में हुआ जिसका उद्घाटन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया था, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन दुबई में हुआ, समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ, तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ जिसमें पार्टनर कंट्री जापान है तो फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान है, चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ। और जब भी समिट शिखर सम्मेलन वाला प्रश्न आता है, मैंने आपको हमेशा बोला है मैं आपको टुकड़ों में रिवाइज कराऊंगा, 8-10 करके एक साथ, अब मैं आपको रिवाइज नहीं कराता ताकि टुकड़ों में करेंगे तो याद रखना आसान रहेगा और बार बार हम शीट को रिपीट करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं और अभी उन्होंने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में जो दामागुंडम वन क्षेत्र है वहीं पर नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है जिसको बनने में लागत आई है 3200 करोड़ रुपये और इसका उद्देश्य क्या है, नौसेना की संचार क्षमताओं को मजबूत करना यानी कि कम्युनिकेशन को बढ़ाना ताकि नौसेना जहाज और जो पनडुब्बी वगैरह जो होते हैं और जो कमांड सेंटर्स हैं उनके बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन बना रहे। और ये दूसरा है याद रखना, इससे पहला वाला 1990 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था INS कट्टाबोमन में और अभी दूसरा वाला ये तेलंगाना में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखना। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख अभी नेवल चीफ नए बन गए हैं, उनका नाम क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। चलो बात यहाँ पे तेलंगाना की है तो चलते हैं तेलंगाना, ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे यहाँ से, जैसे कि फेस्टिवल्स की बात करें, कानुमा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, बथुकम्मा त्यौहार जिसे फूलों का त्यौहार कहते हैं, अभी प्रश्न एग्जाम में आया था ये। बोनालू उत्सव होता है यहाँ पे, मेदराम जात्रा उत्सव और कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये मेदराम जात्रा महोत्सव। और इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स के अनुसार या इसमें बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो हैदराबाद में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य बना तेलंगाना। टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी ना, उसमें 3 भारतीय स्थान है, इसमें से एक हैदराबाद का भी है, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, बाकी 2 कहाँ से, हिमाचल प्रदेश और मुंबई से। और टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ पे शुरू हुई, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू हुई, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में हुआ था जिसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। नीति आयोग की महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। अभी जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना था तेलंगाना, उससे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश ऐसा कर चुके हैं। तो तेलंगाना से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न इस साल के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रश्मिका मंदाना को। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसे शॉर्ट में I4C कहते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी साइबर क्राइम को कम करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए, और अभी इसी का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है तो कुछ और मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कराऊं, तो प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी, एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के चेतन भगत बने थे, बिस्लेरी की दीपिका पादुकोण बनी तो बोट कंपनी के बने थे रणवीर सिंह, फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव बने और एवरीडे बैटरी आती है उसके नीरज चोपड़ा बने थे, ये स्पीड पेट्रोल BPCL का एक ब्रांड है, स्पीड पेट्रोल उसके भी बने थे, और स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी थी, यूनिसेफ इंडिया ने करना कपूर खान को अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया था भारत में,
और मुथुट ग्रुप के शाहरुख खान बने तो तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने गुडविल एम्बेसडर बनाया था थियो जेम्स को। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया था, ये क्रिकेटर है। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे शिखर धवन। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत आनंद कुमार को बनाया था, सुपर 30 के दो संस्थापक है। लॉरियल पेरिस की आलिया भट्ट बनी थी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज यानी कि शिपिंग मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मनु भाकर जो शूटर है। और अभी श्रीराम फाइनेंस के बने थे राहुल द्रविड़। वैसे राहुल द्रविड़ ये बीपीसीएल के भी बनाए गए थे, कंफ्यूज मत होना। बीपीसीएल का एक स्पेशल ब्रांड आता है स्पीड पेट्रोल, उसके बने थे नीरज चोपड़ा, बाकी बीपीसीएल के पूरे के बने थे राहुल द्रविड़। ऐसा है ये, तो ये ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो आंसर होगा BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। तो पहली बार देश में स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनेगी और कौन बनाएगा? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसी को ठेका दिया गया है इसके निर्माण और संचालन का। और कितने रुपए में? 867 करोड़ रुपीज में। और इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है 250 से लेकर 280 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। कहा जा रहा है 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी, कहा जा रहा है, बने ना बने वो अलग बात है। और इसका डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने डिज़ाइन तैयार किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1964 में और हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। अच्छा, अभी आपको बताएं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये भारत की अभी 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, उसका मुख्यालय भी बंगलुरु में है। अच्छा, कुछ और ट्रेनें अभी न्यूज़ में थी, जैसे कि दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने, दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन बनाई थी जर्मनी ने, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चाइना ने बनाई, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? नमो भारत है, पहले इसका नाम रेपिडेक्स था। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च की गई, उसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। और पूछ रहे हैं कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो आंसर होगा चाइना ने। और इसके अलावा याद रखना, अभी रेलवे बोर्ड के हमारे नए चेयरमैन और सीईओ बन गए सतीश कुमार। और एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अभी मोदी जी ने देश की पहली वंदे मेट्रो की शुरुआत की है, गुजरात में भुज रेलवे स्टेशन से शुरू की थी। और इसका नाम भी बदल के वंदे मेट्रो से अब इसका नाम बदल के भारत रैपिड रेल कर दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैबिनेट ने 2025-26 के लिए किस रबी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है? तो आंसर होगा सरसों। तो अभी अक्टूबर 2024 में ही कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन, रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 6 फसलों के MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है। वे 6 फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर दाल, सरसों और कुसुम। और इनमें भी सरसों में सबसे ज़्यादा MSP बढ़ाया गया है, कितना? 300 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा, MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और MSP को डिसाइड कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो 22 फसलों की MSP डिसाइड करती है, जिसमें से गन्ने की फसल अलग है। और अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, एक आध महीने की बात है पहले की, हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि वे भी 22 फसलों को MSP के अंदर लेकर के आएंगे। अच्छा, MSP से एक बढ़िया प्रश्न बनता है आपका कि MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो याद रखना MSP से संबंधित है। क्या कहा गया था उसमें? कि किसानों की लागत का 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ भैया एक फसल ऐसी कौन सी है जिसके लिए MSP नहीं बल्कि FRP होता है, FRP मतलब फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य, तो आंसर होगा गन्ने की फसल। तो ये भी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी कि एम्स दिल्ली, IIT कानपुर और IIT रोपड़ में।
और हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड 3 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सेलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? एम्स दिल्ली, IIT कानपुर और IIT रोपड़ में। तो एम्स दिल्ली वाला जो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेंस सेंटर होगा, ये हेल्थ के लिए काम करेगा। IIT कानपुर वाला संधारणीय शहरों के लिए, मतलब टिकाऊ शहरों के लिए, सस्टेनेबल सिटीज के लिए, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख कर के शहरों का विकास यहाँ पे किया जाएगा। IIT रोपड़ वाला कृषि के लिए काम करेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वैसे तो आपको पता होगा अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो AI का जब भी प्रश्न आता है, अभी तक जितने भी AI से संबंधित प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ 10-12। जैसे कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम पेंटोरा है। AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया था ICICI लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस AI बनी थी केंजा लेली। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया था AI सूट, उसका नाम ब्रेन है। AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस को लॉन्च किया था अमेजॉन ने। सेबी ने AI चैटबॉट सर्विस लॉन्च किया था सेवा नाम से, सेवा मतलब हो गया सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में हुआ। पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि कहाँ पर हुई? फ्रांस में। किनके बीच? UK, US और यूरोपियन यूनियन के बीच। और टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था? तो अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे तो मैंने आपको मात्र 9 ही AI से संबंधित प्रश्न रिवाइज कराए हैं। वैसे इसकी 3-4 शीट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आपके लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले करवाए मैंने अभी आपको। अच्छा चलो, AI से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप देंगे, और अभी इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो अब तो आप बता ही देंगे। एक्चुअली में फिजिक्स के क्षेत्र में 2 जनों को मिला है, तो दोनों के नाम बता दो। चलो ये प्रश्न हो जाता है, हिंट से मैंने आपको याद भी कराया ट्रिक से, तो आपके लिए आसान होगा बताना। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सुरेंद्र चौधरी। अच्छा, वैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के बारे में उमर अब्दुल्ला, अभी इन्होंने फाइनली शपथ भी ले ली है, और ये प्रश्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में, और इसके बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए, वरना अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जो भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, और जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसी के जो ये उमर अब्दुल्ला हैं ये यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे ये इससे पहले भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन UT बनने के बाद ये पहली बार बने हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने। अच्छा, डिप्यूटी CM भी पूछे जाते हैं, डिप्यूटी CM कौन बने हैं? तो याद रखना सुरेंद्र चौधरी बने हैं। वैसे हरियाणा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे, फिर से मुख्यमंत्री बन गए नायब सिंह सैनी। हरियाणा के 25वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, इनको शपथ दिलाई है वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने। चलो, 2024 में जितने भी राज्यों में अभी नए मुख्यमंत्री बने थे वो सारे एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमान, हरियाणा में बन गए नायब सैनी, झारखंड हेमंत सोरेन बन गए, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, दिल्ली में अभी आतिशी बनी है, तीसरी महिला है मुख्यमंत्री बनने वाली दिल्ली में, और जम्मू कश्मीर हमने देखा उमर अब्दुल्ला बन गए। तो ये सारे नए मुख्यमंत्री हैं जो 2024 में बने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो उनको ये भी बता दूँ कि अभी जो नोबेल पुरस्कार आपने पढ़े होंगे उसका ट्रिकी वीडियो हमने बना करके दे दिया है, सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया है, एक बार वीडियो देखते ही सबको याद हो गए नाम। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, मात्र 10-11 मिनट का वो वीडियो होगा जिसमें हमने ट्रिक्स की बात की है। बाकी तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय लिया मैंने वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं कि भैया एक बार आप करके भी देख लो कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्या आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे क्या इस ट्रिक्स को देखने के बाद। तो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिविजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो पहले प्रश्न में पूछा था कि भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहां पे किया गया, महाराष्ट्र में। फिर पूछा विश्व खाद्य दिवस मनाया 16 अक्टूबर, किसने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया, नासा। किसने उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया, यूक्रेन। औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ, भारत। किस यूटी ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है, तो ये रखा गया लद्दाख में। और बहुउद्देश्य पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहां पे लॉन्च हुआ, चेन्नई में। और किन खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उपर्युक्त सभी। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की, तो अल्जीरिया। और आखिरी प्रश्न था 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया इटली में। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना, तो आंसर होगा नेपाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।